हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये ढोल बैग बनाकर दिखाऊंगा। इसे हम ढोल बैग कहते हैं। ये भी ट्रैवलिंग में इस्तेमाल होने वाला बैग है। इसमें पॉकेट में दो चैन है, एक यहाँ, एक ऊपर में और एक लेफ्ट साइड में, और एक राइट साइड में चैम्बर है और एक ऊपर में मेन गैप है बड़ा सा। और इसमें जो भी कपड़े का साइज लगेगा वो सभी साइज में आपको वीडियो में बताता जाऊँगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका साइज में दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम पल्ला ले लेंगे। पल्ला का साइज होगा हमारा 23 इंच बाई 50 इंच। ठीक है, ये माल हमारा बनेगा 24 इंच पर, 24 इंच का माल बोल के हमारा बनेगा ये। ठीक है, सबसे पहले हम इसका गैप निकालेंगे ऊपर से, हम इसको गैप बोलते हैं। यहाँ पर चैन लगेगा आपका, वायर लगा के चैन लगेगा। ठीक है, इसमें से जो भी सामान निकालना रखना, ये मेन चैन होगा ये इसका। तो उसके लिए हम किस हिसाब से निकालेंगे इसको, इसके लिए हम ये जो हमारा चैम्बर है इसको हम तबला बोलते हैं। तो चैम्बर जो है हमारा, चैम्बर को हम इस चौड़ाई की तरफ से नाप लेंगे कितना है, 12.5 इंच। ठीक है, 12.5 इंच हमारा है। उसी तरह से हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद हम इसको यहाँ से नाप ही करेंगे, 12.5 वो है, हम इसको 13 इंच नाप के इसको हम दाग लगा लेंगे। ठीक है, 13 इंच पे हम दाग लगा लिए, समझिएगा इसको 13 इंच पे दाग लगा लिए। और इधर से हम 3 इंच निकले, ये हम 3 इंच पे दाग लगाएंगे। ये हमने 3 इंच पे दाग लगा लिया। अब हम इसको काट कर निकालेंगे। यहाँ सीधा जाएंगे और यहाँ से करीब 2.5 इंच नीचे से ही इधर से राउंड का भी इधर इसमें मिला देंगे। उससे पहले हम इसको याद रखिएगा, इसको हम डबल करके बीच का दाग लगाएंगे। बीच का दाग लगाना ही जरूरी है। ठीक है, सेंटर कर लेंगे। सेंटर कर लेने के बाद सॉरी दोस्तों, बीच में कटिंग का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए बीच में किसी का कॉल आ गया था और हम मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डालना भूल गए थे। तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से जैसे काटना है आपको बता दिए हैं, इसी तरह से यहाँ तक का आना है। बीच में जो सेंटर का दाग लगाए हैं, यहाँ तक का काटने के बाद फिर इस तरह से इसको कर लेंगे और फिर इसको हम इस तरह से करने के बाद यहाँ से काटते हुए फिर हम थोड़ा इसके तरह से काट के निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, ये हमारा गैप निकल गया। और चलिए, तो सबसे पहले हम चैम्बर से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा है चैम्बर। ठीक है, इसका साइज़ है 12.5 बाई 14। ठीक है, जितना भी जो भी साइज का जो लग रहा है कपड़ा, उसका सबका डिस्क्रिप्शन में हम साइज लिख कर डाल देंगे। ठीक है, वहाँ से आप पूरा साइज देख सकते हैं, ऐसे हम वीडियो में भी बताएंगे। सबसे पहले इसको हम सेंटर करके सेंटर का दाग लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम बेल्ट काट लेंगे इसका नाप का। ठीक है, 4 पीस, 2 पीसेस में लगेगा, 2 पीसेस में लगेगा। और डी ले लेंगे, डी 2 इंच डी। ठीक है, और हम इसको इसमें लगाएंगे। ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर का दाग और ये किनारे का दाग, दोनों के बीच में हम रख के इसको सिलाई करेंगे। इसमें हम डबल डी लगाएंगे क्योंकि ये बड़ा साइज का माल है, तो इसमें थोड़ा मजबूती ज़्यादा देना ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह से डी डाल लेने के बाद ऊपर से करीब दो अंगुल नीचे रहेंगे हम। ठीक है, करीब 1.5 इंच नीचे ही। ठीक है, हम इसको सी लेंगे। और दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है और बहुत वक्त भी लगता है। ऐसे हम नॉर्मल अगर सिर्फ माल बनाएंगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा, और इस तरह से वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए आप लोगों से बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, इसलिए कि मैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो हमेशा अपलोड करता रहता हूँ। तो ये हमारा चारों लग चुका है, दोनों पीस में। ठीक है, अब इसको लगा लेने के बाद हम पॉकेट करेंगे। पॉकेट का साइज हमारा है 18
बाई 11 इंच, ठीक है। पिछली दफ़ा जो हम लोगों ने टूरिस्ट बैग में पॉकेट जैसा दिया था वैसा ही पॉकेट इसमें भी देंगे। तो ऊपर से रोल कर लेना है, उसके बाद में 2.5 इंच लंबा इसको काट के निकाल लेंगे और फिर उसके बाद इस तरह से बराबर बराबर मोड़ लेंगे, ठीक है, और इसमें सिलाई कर लेंगे। इस तरह से मोड़ने के बाद हम इसमें ऑयल ज़रूर चलाएँगे, नहीं तो खींच लेगा कपड़ा को। और फिर करीब एक सूता ऐसा किनारे किनारे सिलाई पसंद को कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया हमारा सिंपल सा डिजाइन। अब इसके ऊपर में हम चैन लगाएंगे। अब हम चैन लगा लेंगे, चैन चैन पट्टी और पॉकेट में। तो चैम्बर का जो चैन पट्टी होगा हमारा 20 इंच का 20x1.5 इंच और पॉकेट का 23x1.5 इंच, इसमें हम चैन लगा लेंगे 10 नंबर चैन। इस तरह से सब में चैन लगा लेंगे। अब इसमें एक तरफ चैन लगाने के बाद इसको हम नीचे वाला को इसमें डबल कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम इसमें स्टिकर लगाएंगे। अब हम इसमें बीच में स्टिकर लगा लेंगे, ठीक है। हमारा स्टिकर लग चुका है। इसमें चैन लगाने के बाद हम रनर लगा लेंगे। रनर लगाने के बाद में हम इसका साइज का एक अस्तर ले लेंगे और अस्तर के ऊपर रख के हम इसमें वायर लगा लेंगे, ठीक है। वायर को हम कोई भी कपड़ा से या नवार से हम कवर कर लेंगे। ये मेरा पहले से किया हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें लगाएंगे। इसको लगाते समय हम कपड़ा को दाब के रखेंगे और वायर को ठेलेंगे, ठीक है। और राउंड घुमाते वक्त कपड़ा वाला हाथ और वायर वाला हाथ दोनों एक साथ घुमाएंगे। अगर एक साथ नहीं घूमेगा तो आपका कपड़ा जो है सिकुड़ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें। इस तरह से ये हमारा पॉकेट में वायर लग चुका है, ठीक है। हम इसको छांट लेंगे। पॉकेट में वायर लगाने के बाद हम एक नवार एक टेप जो है यहाँ से इस तरह से सिलाई कर लेंगे मजबूती के लिए, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन हम इसको मजबूत करना चाहते हैं इसलिए हम इसको दे रहे हैं। इसको लगा लेने के बाद अब हम इसमें भी वायर लगा लेंगे। अब हम दोनों चैम्बर में इसी तरह से वायर लगा लेंगे, ठीक है। अब इसमें वायर लगाने के बाद हम चैम्बर का साइड ले लेंगे। चैम्बर का साइड का साइज है हमारा, चौड़ाई है 2.5 इंच और लंबाई है 31.5 इंच, ठीक है। इसमें हम सेंटर का दाग लगा लेंगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों में। उसके बाद हम इस तरह से नापी करेंगे। ये जो हमारा जॉइंट है यहाँ से हम इस तरह से नापी करना शुरू करेंगे। पूरा इस तरह से नाप लेंगे इसको। फिर उसके बाद हम चैम्बर वाला चैम्बर वाला चनपट्टी को फिर यहाँ से जहाँ ख़त्म होता है वहीं से शुरू करेंगे। फिर इसको यहाँ से नापेंगे। यहाँ नापने के बाद ये जो हमारा जॉइंट है जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ तक आने के बाद में हम इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद एक बार हुआ, ये दूसरा बार मोड़ेंगे और फिर ये तीसरा बार। तीसरा बार मोड़ने के बाद जितना बचेगा ये हमारा सिलाई में दबेगा, यहाँ हम दाग लगा लेंगे। उसको कर लेने के बाद साइड को हम जितना हमारा नापी करके जितना हमारा बचा है उतना वहाँ से हम सिलाई करेंगे। साइड को नीचे रख के चैन पट्टी को ऊपर रख देंगे। इसके बाद में हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे और दूसरा वाला को भी उसी तरह से कर लेंगे। इसको ज्वाइन कर लेने के बाद हम चैम्बर लेंगे और जो हमारा सेंटर का दाग है और चैम्बर का सेंटर का दाग है दोनों को मिला के हम इसको पूरा सिलाई कर लेंगे। और हाँ, इसमें कोर कोर में जो है जहाँ सिलाई है वहाँ पर ऑयल लगाना ज़रूरी है। अच्छा,
अब इसको पूरा सिलाई कर लेने के बाद ये जो हमारा है एक्स्ट्रा बड़ा हुआ इसको हम छाट लेंगे, इसलिए कि जब चैन खुलेगा और बंद होगा तो ये उसमें फंसेगा, इसलिए इसको छाट लेंगे। उसको कर लेने के बाद हम अब यहाँ पे इस साइड में एक तरफ पूरा वायर लगा लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा रख करके उसके बाद हम इस तरह से इसको इस तरह से लगा लेना है। दूसरा वाला भी इसी तरह से हम लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पॉकेट का साइड और चैन पट्टी ले लेंगे। पॉकेट का साइड हमारा 21 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा, और ये हमारा और हमारा पॉकेट का चैन पट्टी है 1.5 इंच चौड़ा और 23 इंच लंबा, ठीक है। इसको हम इस तरह से करके सिलाई को छोटा कर लेंगे और करीब 1/2 इंच ऐसा ऊपर रख के मोड़ करके इसको हम पूरा सिलाई कर लेंगे। याद रखिए चैन पहले आना चाहिए, ठीक है, वरना उल्टा हो जाएगा। उसके बाद हम इसको पूरा मोड़ लेंगे। इसको कर लेने के बाद हम पॉकेट ले लेंगे और पॉकेट के ऊपर जो हमारा चैन है, चैन को हम इस तरह से गिरा कर देख लेंगे, बराबर गिरा लेंगे कहाँ तक आ रहा है। अब वहाँ से जहाँ तक आ रहा है वहाँ हम इसको सुई में दबा लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा बढ़ रहा है हम देख लेंगे कितना बढ़ रहा हमारा, कहीं हम यहाँ से मोड़ कर फोल्ड करके यहाँ हम लगा के सिलाई कर लेंगे पूरा। ये हमारा पॉकेट सिलाई हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से जो हमारा जॉइंट है यहाँ हम सिलाई कर लेंगे। ये हो गया हमारा पॉकेट रेडी। अब हम इसको पलट लेंगे, सीधा कर लेंगे, ओके। पॉकेट रेडी करने के बाद अब हम मेन काम करेंगे। ये हमारा है मेन पल्ला, इसमें कुछ समझने वाली बातें हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो है ये दोनों को बराबर मिला के इधर से उसके बाद यहाँ सेंटर का दाग हम लगाएंगे दोनों तरफ। ये सेंटर का दाग हम लगा लेंगे। उसके बाद हम बेल्ट लेंगे। जो हमारा बेल्ट है उसको हम ले लेंगे और इधर से करीब 5 इंच जगह छोड़कर यहाँ से हम सिलाई करना शुरू करेंगे। इसको इस पर ध्यान दीजिएगा, सीधा सिलाई करेंगे, ठीक है। सीधा सिलाई करने की कोशिश करेंगे, करीब यहाँ से 1 इंच पहले ही हम मशीन को रोक दें। उसके बाद हम अपना इंची टेप लेंगे नापी करने के लिए, जो हमारा इंची टेप है। उसके बाद हम इसको यहाँ फंसा लेंगे। यहाँ फंसाने के बाद हम इसको नापी करेंगे 27 इंच, ठीक है। 26 भी रख सकते हैं जैसा आपको ज़रूरत, छोटा माल में उसी के हिसाब से थोड़ा कम देंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह से घुरा लेंगे। आज ये हमारा दाग है नापी वाला, और फिर इधर से भी 5 इंच ताकि बीच लगे देखने में अच्छा, इस तरह से रख लेंगे 5 इंच है। ये भी अंदाज से फिर देख लेना है। उसके बाद इधर आ जाना है और फिर सीधा करके और फिर इधर भी 1 इंच पहले ही रोक देंगे और फिर इधर भी उसी तरह से टेप को फंसा लेना है, और जितना नापी उधर दिए थे इधर भी उतना ही देंगे 27 इंच। यहाँ हम धागा लगा लेंगे, ठीक है। अब इसको फिर उसी तरह से करेंगे। फिर यहाँ आने के बाद लास्ट में
जितना हमारा है उसे थोड़ा सा और अंदर रख कर हम इसको काट लेंगे और फिर इसको हम इसका मुँह जो है हम जला लेंगे। तो हम इस तरह से करीब हाफ इंच ऐसा मोड़ कर इसको इधर रख लेंगे और फिर इसको हम सिलाई करके यहाँ आएंगे कोट पे और फिर इस तरह से घुमा कर और फिर इस तरह से घुमाएंगे और फिर हम पूरा डबल सिलाई कर लेंगे। ठीक है, इसमें पूरा सिलाई कर लेने के बाद हम फिर टेप ले लेंगे बेल्ट, उसके बाद हम इस तरह से यहाँ रखेंगे जो हमारा ये ऊपर का सिलाई है ये वाला, बस इसी को इतना रखेंगे कि ये थोड़ा सा बस छूट जाए और रखकर हम इसको सिलाई करेंगे। ऊपर नीचे दोनों तरफ सिलाई कर लेंगे। इस साइड बेल्ट लगाने के बाद अब हम नीचे वाला में नीचे साइड में भी लगाएंगे। ठीक है, नीचे साइड में हमको सिर्फ एक तरफ सिलाई करना है, इस साइड में कपड़ा का इधर इस साइड से टेप को बराबर रखकर बस लंबा सिलाई कर लेना है। इस तरफ में सिर्फ एक ही सिलाई करेंगे हम, इस तरफ इधर से ऐसे खुला हुआ रहेगा। ठीक है, इसका क्या काम है आपको लास्ट में समझ में आएगा। अब हम इसमें बफर लगा लेंगे, ये हमारा बफर है, इस तरह से हम इसको रखेंगे। ये हमारा सेंटर का दाग है बीच का। ठीक है, इसको यहाँ से हम इतना दूरी पे एक रखेंगे, उसी तरह से दूसरा भी उतनी दूरी पे रखेंगे, ज़्यादा फर्क नहीं करेंगे, ज़्यादा फर्क करने से ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम पांच लगा लेंगे, एक दो यहाँ पे, दो बीच में एक। इस तरह से बस गोल गोल घुमाते जाना है। ये हमारा पांचों बफर अब लग चुका है और अब हम वायर ले लेंगे और वायर को इस तरफ हम लगा लेंगे अंदर साइड में। ठीक है, इस तरह से इसमें लगा लेने के बाद अब हम इसमें वायर लगाएंगे। ठीक है, तीन तरफ लगाएंगे, एक नीचे साइड में छोड़कर। ये हमारा लग चुका है, इसमें वायर लगाने के बाद अब हम इसमें चैन लगाएंगे। ठीक है, चैन को हम एकदम जोर से नहीं खींचेंगे, एकदम हल्का सा, सिर्फ हल्का सा सहारा में रखेंगे चैन को, ये सिर्फ सुकड़े ना, बस इतना ही जोर लगाना है। ज़्यादा कस के अगर खींच के लगाएंगे तो अगला पार्ट में जो हमारा लगेगा ये चैन, उसमें वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हल्का, ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्का सा बस सहारा में रखिए। लग गया और इसको हम सीधा कर लेंगे। इसको कर लेने के बाद अब हमारा जो मेन पल्ला है उसको ले लेंगे। इसमें जो हमने वायर लगाया है उसके साथ में हम इस तरह से दोनों का मुंह बराबर करके रख लेंगे। ठीक है, और फिर हम इसको सिलाई कर लेंगे, इसको हल्का खींच के रखेंगे, हल्का। इस हिसाब से लगाने से आपका दोनों तरफ का मुंह जो है एंड में बराबर ही आएगा। ठीक है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, थोड़ा 19-20 होने से कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें लॉक लगा लेंगे रनर। ठीक है, उसको कर लेने के बाद अब हम पॉकेट बैठाएंगे। ठीक है, पॉकेट को सिलाई करेंगे, इसमें इस तरह से नाप लेंगे बराबर, इधर से जो उतना छूटना चाहिए इधर से भी उतना ही छूटना चाहिए, मतलब बीच में होना चाहिए पॉकेट। ठीक है, और ऊपर से जो हमारा बेल्ट जो लगाए हम, बेल्ट का ऊपर वाला हिस्सा तक का होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से नाप लेंगे, उसके बाद इस तरह से नापेंगे और फिर हम यहाँ से पॉकेट को बैठाना शुरू कर देंगे। अब हम इसको बैठाएंगे, सीधा सिलाई करेंगे, सीधा जितना हो सके रखेंगे इसको ताकि पॉकेट अच्छा लगे सीधा बैठ के। ये हमारा पॉकेट लग चुका है,
ये देख लीजिए, ठीक है। अब जो मैं आपको करके दिखाऊंगा उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब जो ये हमारा चैम्बर है इसको ले लेंगे और पल्ला ले लेंगे, जो हमारा चैम्बर का सेंटर के धागे वहाँ से और इसका कोर्स है, हम इसको नापना शुरू करेंगे। एंड में आकर जितना बचता है उसको हम इस तरह से मोड़ कर इसका दाग लगा लेंगे। उसके बाद हम इसके दोनों मुंह को बराबर करेंगे इस तरह से, और जो हमने दाग लगाया है वहाँ से हम इसको सिलाई करेंगे इस तरह से, ठीक है। इसको सिलाई कर लेने के बाद अब हम इसका जो चैन है इसको हम खोल लेंगे इस तरह से, ठीक है। खोल लेने के बाद हम इस तरह से आएंगे और फिर हम इसको टेप के ऊपर से, बेल्ट के ऊपर से हम पूरा सिलाई कर लेंगे। सिलाई हो जाने के बाद फिर हम इसका चैन को बंद कर लेंगे। उसके बाद फिर हम चैम्बर ले लेंगे और पल्ला, चैम्बर के जो सेंटर के धागे और पल्ला के जो सेंटर के धागे दोनों को हम इस तरह से मिला लेंगे और मिलाकर पूरा सिलाई करेंगे। और आज चैम्बर के अंदर साइड में ऑयल लगाना ज़रूरी है, जहाँ पर सिलाई होगा वहाँ पर ऑयल लगाना ज़रूरी है। इस तरह से पकड़ कर हम इसको पूरा सिलाई कर लेंगे। एक साइड हमारा चैम्बर सिलाई हो चुका है, अब हम दूसरा साइड करेंगे सिलाई, ठीक है। और हाँ, एक बात हम आपको बताना भूल गए हैं कि जो हमने पल्ला को चैम्बर से नापा था उसके बाद जो हमारा बचा है लास्ट में उसको एक बार मोड़ने के बाद एक बार और ज़रूर मुड़ेंगे, ये हम आपको बताना भूल गए थे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका माल ख़राब हो जाएगा, इसीलिए हम आप लोगों को दोबारा से बता दे रहे हैं। इसको भी उसी तरह से रख कर सिलाई कर लेंगे। अब हमारा दोनों साइड चैम्बर सिलाई हो चुका है, अब हम इसमें अस्तर लगाएंगे। चैम्बर से थोड़ा सा बड़ा साइज़ का हम दो पीस अस्तर ले लेंगे, अस्तर ले लेंगे और अस्तर में भी सेंटर का एक दाग लगा लेंगे, और चैम्बर के जो सेंटर के दाग है और अस्तर के सेंटर के दाग का दोनों मिलाकर हम पूरा सिलाई कर लेंगे। जो है हमारा माल पूरा रेडी है और अब हम इसको पलट लेंगे, सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब जो है हमारा बैग पूरा तैयार है और इसके बाद अब हम लेंगे बेल्ट 50 इंच का, दो पीस हम बेल्ट काट लेंगे 50 इंच लंबा, दो पीस, और दो इंच का एडजस्टर ले लेंगे इस तरह का, ठीक है। और इसमें इस तरह से लगा कर इस तरह से उसके बाद यहाँ हम दो तीन सिलाई कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें लगाएंगे बेल्ट को। अब जो है हमारा बेल्ट एडजस्टर में सिलाई हो चुका है इस तरह से, और अब हम इसको पहनाएंगे। इस तरह से बैग को रख लेंगे, उसके बाद में डी जो है ये जो सिलाई वाला है उल्टा साइड को ऊपर रखेंगे, ठीक है, इस तरह से, और एक साइड से डालेंगे और फिर इस साइड से डालेंगे और फिर इस साइड से निकाल लेंगे, फिर इसको भी उसी तरह से करना। इस तरह से बेल्ट लगा लेने के बाद उसके बाद हम इसको इस साइड वाले डी में फंसा लेंगे, और फंसाने के बाद हम सिलाई कर लेंगे दोनों को।